ऑफ इंडस्ट्री में तो स्ट्रगल कर ही रहे बिल्कुल, लेकिन न्यू टैलेंट जो लड़की ने गाई है वो महाराष्ट्र लड़की है जी, और बहुत टैलेंटेड लड़की है, उसने नई है वो भी जी, तो भी हमने अभी उसने फोन नहीं लगाया जी, हमारी जिम्मेदारी और मैं उसमें यूथ सॉन्ग है और उसका जो मेल वर्जन है वो हरिंदर जी को बिल्कुल। तो हरिंदर जी यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया और आसिफ जी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको उसके अंदर एक गाना गाने को मिल रहा है, तो मतलब लोगों के बीच में वापस से आपका एक ऐसा गाना आने वाला है जो एक डुएट सॉन्ग है। बिल्कुल, जो भी कलाकार है जिसके अंदर कला है, ये कला किसी के अंदर डाली नहीं जा सकती, बिल्कुल ये नेचर से होती है, ये प्रकृति कुदरत की तरफ से होती है, बिल्कुल। और जो बाकी कलाकार हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, कलाकार अगर हैं तो पहले सबसे पहले तो ये एजुकेशन का सबसे पहले, बिल्कुल सही, सबसे पहले तो लोग पढ़े और पढ़ने के बाद अगर उनके अंदर वो कौन सी कला उनके अंदर छुप रही है, जज्बा हो, किसी में नहीं जज्बा नहीं, एक हर इंसान के अंदर एक अलग कला हो जी, हर एक इंसान आर्टिस्ट है, बिल्कुल मेरे अंदर हो सकता है डॉक्टरी की कला हो, किसी के अंदर इंजीनियर बनने की कला है, किसी के अंदर आईएएस ऑफिसर, किसी के अंदर पुलिस ऑफिसर बनने की कला है, तो वो जिसके अंदर जो जिस प्रकार की योग्यता है वो उसके अकॉर्डिंगली जाए, ये जरूरी नहीं कि हर एक आदमी कलाकार बनने चला रहा है, हर एक आदमी गाना गाने चला रहा है, जो जो कर सकता है अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, इनके वही है, इनके गाने में इनका गाया मुझे बहुत पसंद आया, तो खुद को जान ले पहचान ले, उनको जो भेजा है खुदा ने फरिश्ते रंग पर जी, इट्स अ ब्यूटीफुल पावर वर्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी सोचे कि मैं एक्टर बनूंगा, हर एक आदमी सोचे कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा तो संभव नहीं, बिल्कुल सही, कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में खुद को पहचान। जैसे हरिंदर जी को उनका गॉडफादर मिल गया है, उनके बाजू में बैठे हैं जी, तो क्या बाकी जो 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 अभी बनना चाहते हैं एक्टर, क्या उनको गॉडफादर मिल सकता है? मेरे गॉडफादर नहीं, मैं तो बड़ा भाई जैसा हूं उनका जी, छोटे भाई जैसे उनका गॉडफादर है, ये शहर के हैं जी, और मेरे करीबी हैं जी, जी हर एक को मौका मिलना चाहिए, और जो नए टैलेंट्स हैं, न्यू टैलेंट्स हैं जो हमारे देश में, मैं खाली अपने एलिमेंट की बात नहीं करता हूँ जी, मैं अपने देश की बात करता हूँ, देश में हमारा इतना बड़ा देश है, इसमें करोड़ों टैलेंट्स हैं जो बेचारे अंधकार में, जिनको मौका नहीं मिला, मौका नहीं, अगर उनको मौका मिले तो वो अपने हुनर का प्रदर्शन अच्छे से कर सकते, बिल्कुल। तो मेरी सोच है और हम जिस कंपनी से मैं जुड़ा हूँ जी, उनका यही सोच है कि हम एक न्यू टैलेंट्स को लेके आ गया, अपने एक्टर हों चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हों चाहे वो लिरिक्स हों चाहे वो प्लेबैक सिंगर्स हों चाहे, तो हम उनको सबको ऐसे न्यू टैलेंट्स को ढूंढें, उनको मौका दें, उनके खुद सा काम, हम वो कुछ भी बना रहे हैं, मोस्टली न्यू एक्टर्स हैं, न्यू प्लेबैक सिंगर्स हैं, तो मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको बनने के लिए, और मैं खाली अलीगढ़ की बात नहीं, बल्कि मैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी न्यू टैलेंट्स हैं उनको सबको अगर कोई चाहता है संपर्क करना जरूर मैं चाहता हूँ। आपकी जो मूवी आने वाली है वो अभी बहुत ही जल्द आप उस पर काम करना शुरू होने वाला है, तो उसकी बात की जाए तो उसके अंदर जो सिंगर्स है तो क्या वो सारे न्यू टैलेंट्स है या आपने इंडस्ट्री से? नहीं, मतलब इंडस्ट्री में तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं बिल्कुल, लेकिन न्यू टैलेंट जो लड़की ने गाई है वो महाराष्ट्र लड़की है जी, और बहुत टैलेंटेड लड़की है, उसने नई है वो भी जी, वो भी हमने अभी उसने फोन नहीं लगाया जी, हमारी जिम्मेदारी, और मैं उसमें यूथ सॉन्ग है और उसका जो मेल वर्जन है वो हरिंदर जी को, बिल्कुल। तो हरिंदर जी यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया और आसिफ जी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको उसके अंदर एक गाना गाने को मिल रहा है, तो मतलब लोगों के बीच में वापस से आपका एक ऐसा गाना आने वाला है जो एक डुएट सॉन्ग है, बिल्कुल सही है। और होप की बात की जाए सर, तो हम कब देख पाएंगे वो मूवी अपने नज़दीकी सिनेमा घर में? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप लोग दिसंबर
और जनरल बहुत से बहुत जनरल जी काफी चित्र में। और उसके अंदर कितने गाने होंगे? और उसमें चार गाने हैं जी, और दो गाने हमने उसमें रखे हैं कुछ पुराने गानों को थोड़ा सा रीमेक करा। ओके, उस तरह से छः गाने नए गाने चार मानते हैं, और मैं खुद भी उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप उभरते टैलेंट को और जो नए कलाकार हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एक मैसेज, अगर आपको कहा जाए कि एक मैसेज दीजिए, तो आपके दिल से उनके लिए एक क्या मैसेज होगा? ये जो भी कलाकार हैं जिसके अंदर कला है, ये कला किसी के अंदर डाली नहीं जा सकती। बिल्कुल, ये नेचर से होती है, ये प्रकृति कुदरत की तरफ से होती है। बिल्कुल, तो जो बाकी कलाकार हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, कलाकार अगर हैं तो पहले सबसे पहले तो ये एजुकेशन का सबसे पहला काम। बिल्कुल सही, सबसे पहले तो लोग पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर उनके अंदर वो कौन सी कला उनके अंदर छुप रही है, जज्बा हो, किसी नहीं जज्बा नहीं, एक हर इंसान के अंदर एक अलग कला हो जी, हर एक इंसान आर्टिस्ट है। बिल्कुल, मेरे अंदर हो सकता है डॉक्टरी की कला हो, किसी के अंदर इंजीनियर बनने की कला है, किसी के अंदर IAS ऑफिसर, किसी के अंदर पुलिस ऑफिसर बनने की कला है, तो वो जिसके अंदर जो जिस प्रकार की योग्यता है वो उसके अकॉर्डिंगली जाए। ये जरूरी नहीं कि हर एक आदमी कलाकार बनने चला रहा है, हर एक आदमी गाना गाने चला रहा है, जो जो कर सकता है अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। इनके वो ही है, इनके गाने में इनका गाना मुझे बहुत पसंद आया, वो खुद को जान ले, पहचान ले, खुद भेजा है खुदा ने फरिश्ते जमीन पर जी, इट्स अ ब्यूटीफुल पावर वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी सोचे कि मैं एक्टर बनूंगा, हर एक आदमी सोचे कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा, तो संभव नहीं। बिल्कुल सही, कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद को कर सकता। जैसे हरिंदर जी को उनका गॉडफादर मिल गया है, उनके बाजू में बैठे हैं राशि जी, तो क्या बाकी जो 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 अभी बनना चाहते हैं एक्टर, क्या उनको गॉडफादर मिल सकता है? नहीं, गॉडफादर नहीं, मैं तो बड़ा भाई जैसा हूँ उनका जी, छोटे भाई गॉडफादर की बात नहीं, लेकिन ये कि एक एक जो मैं इंशाल्लाह आप लोग दिसंबर और जनवरी बहुत से बहुत जनवरी जी काफी चित्र में देखने में। और उसके अंदर कितने गाने होंगे? और उसमें चार गाने हैं जी, और दो गाने हमने उसमें रखे हैं कुछ पुराने गानों को थोड़ा सा रीमेक करा। ओके, उस तरह से छः गाने नए गाने चार मानते हैं, और मैं खुद भी उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।